मेरा नाम है सौरभ भट्ट, इस जहाज का द्वितीय मेट, सेकंड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप, मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज फिर से लेके आ रहा हूं एक कांडी कहानी। मर्चेंट नेवी में सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित आपका किसकी ओर जाता है? पैसे के सिवा पायरेट्स, समुद्री लुटेरे। अधिकतर ये किस प्रकार से ऑपरेट करते थे? नियर कोस्टल कोस्ट के निकट वाटर्स में ये अटैक करते हैं, और एंकरेज पे जब जहाज होता है तो अटैक करते हैं। अब सुर्खियों में ये आ रहे हैं कि पोर्ट के किनारे लगा हुआ है जहाज, बंदरगाह के किनारे लगा हुआ है, वहाँ पे ही आकर लूट रहे हैं। ये मेरे पास इनहांस ग्रुप कॉलिंग है हाथ में, सैट सी द्वारा प्रिंट आउट मुझे मिला, मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्या रिपोर्ट आई। ये है बेलावान पोर्ट। बेलावान पोर्ट कहाँ पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की ये खबर है। इंडोनेशिया के बेलावान पोर्ट के किनारे जहाज लगा हुआ था। ये कौन सी तारीख की बात है? ये 27 अगस्त 27 अगस्त 2021 की बात है। कितने बजे? 2200 hours UTC। GMT में टाइम दिया होता है इसमें, लोकल टाइम नहीं होता, तो 2200 hours GMT में हुआ। टू रॉबर्ट्स आर्म्ड विद नाइव्स बोर्डेड अ बर्थेड टैंकर, स्टोल शिप्स प्रॉपर्टीज एंड एस्केप्ड। द थेफ्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय द ड्यूटी क्रू ड्यूरिंग रूटीन राउंड्स आफ्टर डिपार्चर। द इंसीडेंट वॉज रिपोर्टेड टू कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर। अधिकतर पायरेट्स होते हैं गरीब देशों के, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। देखिए इंडोनेशिया भी बहुत गरीब है। तो क्या बताया कि दो लुटेरे आए बड़ी बड़े चाकू के साथ, टैंकर लगा हुआ था किनारे से, उस टैंकर पे चढ़े, जो क्रू था उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने लूटी और दौड़ गए। तो कोरोना हो या कोरोना ना हो, बेशक बाकी दुनिया बंद हो, समुद्री लुटेरे सदा ही लगे रहते हैं। सौरभ भट्ट आउट।